Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School is starting online education. Today, in this video, I will continue subject SPCC of Standard 12. Part 1, Commercial Correspondence, and Chapter Number 1, Bank Correspondence. Dear students, हमने लास्ट जितने भी वीडियो शूट किए उस वीडियो के अंदर एसपी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, या तो फिर हमने टोटल 3 चैप्टर जो है एसपी के कंप्लीट किए। आज हम शुरुआत करेंगे सीसी से। सीसी का फर्स्ट चैप्टर है बैंक करेस्पोंडेंस। इस चैप्टर के अंदर से आपको एक लेटर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, जिसका वेटेज 5 मार्क का होता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे लेटर नंबर 1 से, ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओपन अ डीमैट अकाउंट जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर दिया गया है। एक पर्सन है वो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है बैंक में से, तो वो किस तरीके से ओपन करवाएगा? तो वो एक बैंक को रिक्वेस्ट लेटर जो है वो लिख रहा है। तो कैसे लिखेंगे? तो बेसिक हमने स्टडी A1 स्टैंडर्ड में किया हुआ था कि राइट साइड पर हम अपना नेम, एड्रेस, डेट सब कुछ लिखेंगे, और लेफ्ट साइड पर जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका नेम, उसका एड्रेस, और साथ में जो है हम बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, और जो है हम रिस्पेक्टेड सर या प्रिंसिपल या जो भी कुछ हो ये सब कुछ लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह। ये बेसिक नॉलेज हमने 11 स्टैंडर्ड के अंदर तो लिया है, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि कौन से साइड पर किस तरीके से क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो मैं डायरेक्टली आता हूं लेटर के अंदर के डीमैट अकाउंट कस्टमर ओपन करवाना चाहता है कौन सी बैंक में? विजया बैंक के अंदर। कस्टमर का नाम है मनोज बी दवे। मनोज बी दवे लेटर लिख रहा है किसको? विजया बैंक को, कि भाई मुझे अपने मैं आपकी बैंक से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप मुझे जो है वो ओपन करवाने की जो गाइडेंस है या तो फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो बताएं, ताकि मैं डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकूं। तो फर्स्ट लाइन में दिया है, आई हैव हैड अ सेविंग अकाउंट नंबर 00911135690। मेरा सेविंग अकाउंट आपकी बैंक के अंदर है और मैं लास्ट 6 साल से आपकी बैंक के साथ जुड़ा हुआ। आगे दिया है, बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू स्कीम्स एंड कस्टमर्स ओरिएंटेड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच रेपुटेशन ऑफ बैंक इन अ लोनावाला एरिया हैज इंक्रीज्ड। बैंक ने अपनी सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट लाया है, और बैंक जो है कस्टमर को बहुत सारे न्यू सर्विसेज भी दे रही है, जिससे लोनावाला जो ब्रांच है उसकी रेपुटेशन जो है मार्केट के अंदर दिन पर दिन जो है वो इंक्रीज होती जा रही। बैंक ने डीमैट अकाउंट फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है और इसका बेस्ट रिजल्ट मार्केट के अंदर से मिल रहा है। तो आगे दिया है, रिसेंटली द ऑनलाइन बैंकिंग एंड अ डीमैट अकाउंट ओपनिंग अ कंपैरिजन लॉन्च बाय योर बैंक हैज रिसीव्ड अ गुड रिस्पांस। रिसेंटली बैंक ने जो है वो डीमैट अकाउंट सर्विस स्टार्ट की है और शुरुआत में ही उसको बेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट से। तो ये मनोज बी दवे ऐसा बोल रहा है कि I also desire to open a demat account for a trading in a share market. मैं शेयर मार्केट के साथ जो है वो जुड़ना चाहता हूँ, तो ट्रेडिंग करने के लिए मुझे डीमेट अकाउंट की जरूरत है। तो मैं आपकी बैंक से ऑलरेडी जो है 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपकी बैंक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ। आगे दिया है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई डीमेट अकाउंट विथ माई सेविंग अकाउंट नंबर 00911135690 विथ योर बैंक। मैं अपने सेविंग अकाउंट को डीमेट अकाउंट के साथ जो है वो लिंक करना चाहता हूँ, तो आप जो है उसके लिए जो भी कुछ प्रोसीजर है वो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकूं। आगे दिया गया है, आई एश्योर टू ऑबे द रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या जरूरत है वो मुझे आप प्लीज बताएं, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है कौन? मनोज बी दवे। इसको विजया बैंक को, लोनावाला ब्रांच को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे दिया गया है उसी के अंदर, आई शैल मेंटेन द मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस ऑफ ₹5,000 एज पर द कंडीशन ऑफ द डीमेट अकाउंट। मैं एज पर द कंडीशन ऑफ डीमेट अकाउंट जो मिनिमम ₹5,000 जो है वो
मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो मेंटेन रखने के लिए भी रेडी है। आपके बैंक की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कुछ मुझे मान्य है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और जितनी भी मिनिमम बैलेंस रखनी होगी वो मैं रखने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज मुझे डीमैट अकाउंट के बारे में बताएं और मुझे ओपन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। आगे दिया है, हियर विद आई एनक्लोज अ ड्यूली फिल्ड इन डीमैट फॉर्म। में इसके साथ, इस लेटर के साथ ड्यूली फिल्ड डीमैट फॉर्म भी जो है मैं एनक्लोज कर रहा हूँ, साथ में टू फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज के दे रहा हूँ, फोटो कॉपीज ऑफ लाइसेंस भी आपको भेज रहा हूँ, पान कार्ड की कॉपी भी भेज रहा हूँ और साथ में 500 रुपीस का चेक भी इसके साथ जो है वो मैं फॉर्म के साथ आपको भेज रहा हूँ। और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो प्लीज एज सून एज द डीमैट अकाउंट इज ओपन, प्लीज जल्दी से जल्दी मेरा डीमैट अकाउंट आपकी कंपनी के अंदर ओपन कीजिए, सॉरी आपके बैंक के अंदर ओपन कीजिए, ताकि मैं शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकूं। आगे दिया है, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड इट्स अ पासवर्ड एंड कस्टमर आईडी सो आई कैन ऑपरेट द डीमैट अकाउंट। अगर मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी आईडी पासवर्ड या तो फिर जो भी कुछ नेट बैंकिंग के लिए या तो फिर डीमैट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ प्रोवाइड कीजिए, ताकि मैं अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट कर सकूं। आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट अ प्रोसीजर इन दिस रिगार्डिंग, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है इस प्रोसेस को जो है जल्दी से जल्दी पूरा करोगे और मुझे जो है वो सपोर्ट करोगे। लास्ट में योर फेथफुल करके नीचे इसके साइन आएगी मनोज दवे की और लेफ्ट हैंड पर एनक्लोज यानी कि उसने क्या क्या एनक्लोज किया है, इस लेटर के साथ क्या क्या जो है वो जोड़ा है, तो वो सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट लेटर कंप्लीट किया, फर्स्ट लेटर का नेम था लेटर टू डीमैट अकाउंट। अभी हम सेकंड और लेटर देखेंगे जिसका नेम है स्टॉक चेक पेमेंट लेटर। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पार्टीज को चेक के थ्रू रुपीस पे करते हैं तो चेक जो है बाय मिस्टेक हमसे जो है वो गुम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क रहता है कि वो चेक में से जो भी अमाउंट जो भी चेक की अमाउंट थी वो कोई विड्रॉ ना करे। तो उसके लिए बैंक ने बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो तो बैंक में जाकर अपने चेक को जो है वो स्टॉप करवा सकते हो। जो चेक आपका लिखा हुआ साइन किया हुआ गुम हो चुका है उसकी एंट्री आप बैंक में जाकर करवा सकते हो और आप चेक को जो है स्टॉप भी करवा सकते हो। तो एक लेटर आपके पेज नंबर 7 पर टेक्स्ट बुक के दिया गया है, अ लेटर रिगार्डिंग द स्टॉक पेमेंट ऑफ चेक। डॉक्टर मिहिर एंड लगवानकर डॉक्टर मिहिर लगवानकर जो है वो SBI बैंक को लेटर लिख रहा है कि मेरा चेक जो है वो गुम हो चुका है, तो प्लीज आप इस चेक पेमेंट को स्टॉप कीजिए। तो राइट साइड पर अपना नेम, एड्रेस, डेट सब कुछ लिखना है, लेफ्ट साइड पर किसको लेटर लिखते हैं वो सब कुछ लिखना है और बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। डायरेक्टली शुरुआत करता हूं, आई हैव अ हेल्ड अ सेविंग अकाउंट नंबर 10123245 विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 12 इयर्स एंड आई ऑपरेट इट रेगुलरली। मेरा आपकी बैंक में लास्ट 12 ईयर से बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है और SBI बैंक के अंदर मेरा लास्ट 12 ईयर से अकाउंट है। आगे दिया है, दिस लेटर इज रिटर्न टू द कंफर्म द टेलीफोनिक टॉक। इस लेटर के साथ मैंने आपसे टेलीफोनिक भी जो है बातचीत की हुई है कि भाई मेरा जो है चेक वो गुम हो चुका है तो प्लीज आप उसे कैंसिल कीजिए या तो फिर उसका पेमेंट जो है वो कुछ स्टॉप कर दीजिए। तो आपने मुझे बताया था कि रिटर्न में एप्लीकेशन करो, तो मैं आपको टेलीफोनिक के साथ और प्लस में रिटर्न में आपको एप्लीकेशन कर रहा हूँ। हेल्ड इन द मॉर्निंग रिगार्डिंग द स्टॉक पेमेंट ऑफ चेक, मैंने आपको मॉर्निंग में भी टेलीफोनिक आपसे बात की थी और मैं उसके बाद आपको रिटर्न में लिख रहा हूँ। मेरा चेक नंबर क्या था, द चेक नंबर इज 0236308 इज रिटन इन द नेम ऑफ द मिस्टर श्रीकांत जोशी। मेरा जो चेक नंबर ये था 0236308 और मैंने ये चेक श्रीकांत जोशी को लिखा हुआ था, कौन सी तारीख को, 19 जुलाई 2017 को, और वो भी SBI बैंक का था, अमाउंट थी ₹10,000। आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस्ड
मैंने इसको बाय मिस्टेक कहीं पे रख दिया या तो फिर गुम हो चुका है, तो मैं और मुझे डर ये है कि आई एम अ वॉरियर एज इट्स अ बैरियर चेक, यानी कि डर इस बात का है कि ये चेक बैरियर चेक है, इसलिए डर लग रहा है कि कोई इस बैरियर चेक को जो है बैरियर चेक को कोई विड्रॉ ना कर दे। इफ द अबव मेंशनड चेक इज प्रेजेंटेड टू द बैंक बाय एनीवन प्लीज डू नॉट मेक द पेमेंट ऑफ साइड चेक। इस चेक को कोई भी मार्केट के अंदर से जिसको भी मिला हो वो पर्सन बैंक में आकर अगर उसे प्रेजेंट करता है तो उसे आप जो है कैंसिल कीजिएगा, उस पेमेंट को स्टॉप कीजिएगा। एक मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, आई हैव फुल फेथ दैट यू विल टेक अ प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। आप इसके ऊपर एक्शन लोगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। योर फेथफुल करके राइट साइड पर साइन आएगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज हमने टोटल 2 लेटर्स कंप्लीट किए, थर्ड से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे लेटर करेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता।